हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो चीज़। पहला कि बाजार जैसा रियल वाला मॉस स्टिक कैसे बनाएं घर पर, और एक खूबसूरत सी टोपियारी को कैसे बनाएं और उसे डेकोर कैसे करें। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जीरो बजट का काम है, इसमें किसी भी चीज़ का बाहर से उपयोग नहीं हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जूट की बोरी ली है, ये आसानी से सभी के यहाँ अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो आप परचून की दुकान से ला सकते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी सारे मिलते हैं। इस तरीके से जूट की बोरी जो है ये डबल लेयर होती है, इसको आपको सिंगल लेयर बना लेना है। सबसे पहले किसी भी सीजर की सहायता से, कटर की सहायता से आप इसे काटेंगे, काफ़ी आसानी से ये कट जाती है। काट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये सिंगल लेयर बन गई। इसके बाद आपको लेना है, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी प्लांट है, मैंने बोगनविलिया की ब्रांच यूज़ की है, आपके पास कोई भी प्लांट है जिसके ब्रांच थोड़े लंबे हैं, या फिर अपने प्लांट को आप कट नहीं करना चाहते हैं, तो इसके जगह पर आप कोई वायर ले सकते हैं जो फोल्ड हो पाए, उस तरीके का वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रांच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल घर के चीज़ों से ही जुगाड़ करके मैंने ये चीज़ बनाई है। इसके बाद इसके जितने पत्ते हैं, फूल हैं, सबको आपको हटा लेना है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस काम में। तो इस तरीके के मैंने दो ब्रांच कट किए हैं अपने बोगनविलिया के प्लांट से, और दोनों ब्रांच को फिर मैंने जो है किस तरीके से यूज किया है वो आप आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसके जितने भी पत्ते वगैरह थे सब निकाल लिए हैं। उसके बाद दो ब्रांच मैंने कट किए जैसा कि मैंने बताया, और दोनों को इस तरीके से सेलो टेप से मैंने अटैच कर दिया है। तो ये थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ गई। आपको अगर वायर लेना है तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, अपने पोर्ट के हिसाब से ही अपने वायर का सिलेक्शन करेंगे आप। जूट की बोरी को मैंने और भी आधा कट कर लिया है, नहीं तो ये मॉस स्टिक नहीं बल्कि फैट स्टिक बन जाती, तो इसीलिए। और इसके बाद हमने इसमें भरना है, ये कंपोस्ट है और कुछ मिट्टी है, और इस प्रकार दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्सचर मैंने बना लिया इस तरीके से। मिट्टी का जो रेशियो थोड़ा कम है, क्योंकि मिट्टी जो है वेट में ज़्यादा होता है, इसीलिए मिट्टी मैंने कम रखा है ताकि ये लाइट वेट भी बने रहे। तो इस तरीके से इस मिक्सचर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से ही डाल दिया है, आप भी इसी तरीके से डालिएगा ताकि आगे आपको कोई प्रोसेस करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हम ये रखेंगे अपना, इस ये जो ब्रांच हमने बनाई थी, ये आप अगर ब्रांच की जगह वायर ले रहे हैं तो इस प्रकार से इसके ऊपर ही डालिएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये थोड़ी अभी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जब फाइनल रिजल्ट होगा तो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से अब इसको धीरे धीरे फोल्ड करना है कि हमारी जो मिट्टी है वो बाहर ना निकले, और अच्छे से इसको बनाना है ताकि मिट्टी जो है नीचे से गिरनी भी नहीं चाहिए, बाहर से निकलनी भी नहीं चाहिए। इस तरीके से टाइट करके, आपको टाइट पकड़ बना करके इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि जो मॉस स्टिक है वो फैले नहीं। ज़्यादा थिक मॉस स्टिक देखने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे मार्केट में जैसा मॉस स्टिक बनता है वैसे ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइट पकड़ के उसको फोल्ड करें। उसके बाद आपको कोई भी सुआ लेना है, और जो बड़े साइज का निडल होता है, नहीं है तो फिर आप इजीली उसे बांध सकते हैं टाइट करके। मेरे पास ये अवेलेबल था इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। इस तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर देनी है, और उसी रस्सी को लपेटते हुए आपको आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड भी करते जाना है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर जूट की रस्सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखने में और भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मेरे पास ये रस्सी अवेलेबल थी तो मैंने ये रस्सी का यूज़ किया है। तो इस तरीके से अच्छे से मोड़ते जाना है, और इसी रस्सी को यहाँ से लपेटते जाना है। दोस्तों, घर पर मॉस स्टिक बनाना काफ़ी आसान काम है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास जूट की बोरी है, थोड़ा सा कंपोस्ट है, मिट्टी है, या फिर नहीं भी है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर किचन वेस्ट भी भर सकते हैं। किचन वेस्ट अंदर में अपने आप कंपोस्ट बन जाएगा और आपका मॉस स्टिक भी बन जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये बिल्कुल हमारा मॉस स्टिक बन करके यहाँ पर रेडी हो गया।
यहाँ पर एक चीज़ है कि नीचे की जो ब्रांच है मैंने खाली रखी है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाएगी इसी वजह से। यहाँ पर हमने लिया है एक रेक्टेंगल शेप का पॉट, आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, किसी भी शेप का पॉट ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। इसमें पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें मैंने कोई ख़ास पॉटिंग मिक्स नहीं बनाई है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। आप जैसे भी जिस तरह से भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उस तरीके से आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अब दोनों चीज़ें रेडी हैं, तो इस तरीके से इसको इसमें लगा देना है। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है अभी से देखने में, और इसको जब हम और भी डेकोर करेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगने वाला है। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा मॉस स्टिक बन करके तैयार है। इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये कुछ मनी प्लांट्स हैं, और मनी प्लांट्स को दोनों तरफ से मैं लगाऊंगी, और ये जब बड़े होंगे तो और भी अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए नीचे के पत्तों को मैंने निकाल के इस तरीके से इसमें लगा दिया है, और इस मनी प्लांट को भी मैं मॉस स्टिक में रस्सी के सहारे अटैच कर दूंगी, ताकि ये मनी प्लांट जो है मॉस स्टिक में अटैच रहे, हटे नहीं, इसीलिए रस्सी से मैंने इसको भी थोड़ा सा बांध दिया है एक दो जगह से। और मॉस स्टिक को सहारा देने के लिए मैंने दोनों तरफ से कोई सूखी लकड़ियाँ लगा दी हैं, ताकि बाय चांस अगर ये गिरना चाहे तो गिरे नहीं। दोस्तों इसका फाइनल लुक देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले चलिए उनके नाम मैं आपको दिखा देती हूँ जिन्होंने मेरे इस वीडियो में सही जवाब दिया है। वीडियो थी बिना मिट्टी के हम घर पर खेती कैसे करें, तो इसमें सही जवाब दिया है मंजू कुलक्षेत्र ने और मिसेज रजनी नाथन ने। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, और इस वीडियो में भी आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको सही जवाब। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए नीचे के जो मिट्टी थे उसको कवर करने के लिए मैंने कुछ कोलियस के प्लांट तोड़े अपने गार्डन से, और उसको ही मैंने कुछ 4-5 ब्रांचेस लगा दिए हैं। आपके पास कोलियस है तो आप कोलियस लगाइए, पर्पल हार्ट लगाइए, या नीचे में भी मनी प्लांट आप लगा सकते हैं, या फिर वांडरिंग जू लगाइए। तो इस तरीके के प्लांट्स को आप लगाइए तो मिट्टी आपका कवर हो जाएगा और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जब ये मनी प्लांट बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने आज के आज बनाया तो ये आज के आज ही बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि जब ये मनी प्लांट बड़ा हो जाएगा, मॉस स्टिक पे भर जाएगा, तब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन ये दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने सोचा नहीं, आज के आज ही मैं ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से इस पर आप कलरफुल स्टोन्स भी रख सकते हैं मिट्टी को कवर करने के लिए, आपकी जैसी मर्जी। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं मिट्टी को कवर करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात इसमें पानी कैसे देना है। इसमें पानी जो है किसी फोर्स के साथ मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि स्प्रे से ही इसमें पानी दिया जाए। तो और सबसे बड़ी बात कि ये जो मॉस स्टिक है इसमें पानी देना मत भूलिएगा। कभी भी आप पानी दें मॉस स्टिक में ज़रूर पानी दीजिएगा, ताकि मनी प्लांट आपका स्पीड से ग्रो करें। सिर्फ मिट्टी के नीचे पानी देंगे तो वहीं से इसको जो है पानी मिलेगा तो थोड़ा स्लो ग्रो कर सकता है, लेकिन आप मॉस स्टिक में पानी देंगे तो वहां से भी इसको काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज का सवाल है मेरा, एजवायर मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए, जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपका जवाब सही हुआ तो अगले वीडियो में जो डे आफ्टर टुमारो आएगी आपके नाम विथ कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे। दोस्तों जवाब के अलावा आपकी प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। साथ में आप यह भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप कम बजट में अच्छी गार्डनिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो डे आफ्टर टुमारो आएगी, मतलब कि परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।